डाइल्यूट है तो DIL डॉट DIL और कंसंट्रेटेड में CONC CONC। ओके बेटा चलो ठीक है, ऑडियो ऑफ कर लो अपना और मैं आज डिस्कस करूंगा। देखो कल कुछ बच्चे ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर आप थोड़ा सा कुछ वैलेंसीज को जिक्र कर दो साथ में, क्योंकि हम लोगों का वैलेंसीज क्लियर नहीं है, हम लोग फॉर्मूला सही से नहीं लिख पाते हैं। तो जो नए स्टूडेंट थे, पुराने स्टूडेंट लोगों, तो आई सपोज कि उन लोगों ने वैलेंसेज बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा। जो 9 से 10 मुझे फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वैलेंसेज अच्छे से याद होंगे। फिर भी कुछ कॉमन वैलेंसेज, मैं पूरा चार्ट तो डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि यदि चार्ट में पूरा डिस्कस करूंगा तो पूरी क्लास नहीं है, तो मैं कुछ कॉमन सिंबल डिस्कस कर लेता हूँ जो जिनके वैलेंसीज आपको जरूरत है और जाननी होगी जब आप केमिकल रिएक्शन लिखोगे, सॉरी केमिकल इक्वेशन जब आप लिखोगे। तो कुछ कॉमन वैलेंसीज और कंपाउंड के देख लेते हैं हम लोग और एलिमेंट्स के देख लेते हैं ताकि मैं फॉर्मूला लिखने में दिक्कत ना हो। ओके बेटा चलिए सबसे पहले देखो वैलेंसी क्या होता है। आपको ये बात तो मालूम ही है कि एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है अपने नियरेस्ट नोबल गैस का जैसा बनने के लिए। ओके वैलेंसी क्या होता है, एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है अपने सबसे सामने वाला नोबल गैस के जैसा बनने के लिए। देखो बेटा मैं कुछ लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, एक दो, मतलब बोलने का मतलब क्या, हाइड्रोजन का न्यूट्रल एटम यदि है तो उसकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है एक होती है, हीलियम यदि न्यूट्रल है तो उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो होता है, लिथियम तीन होता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है स्टैंडर्ड 9th में ये एटॉमिक नंबर है। सपोज आप लोगों को मालूम है एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन जो बताती है न्यूट्रल एटम में तो इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, देखो ये आप लोगों को लगभग 20 तक याद रखना पड़ेगा क्योंकि 10th में आप लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है। यदि 10th तक आप लोग 20 तक नहीं याद करते हो तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इट इज अ रिक्वायरमेंट। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम Li सिंबल है, लिथियम का 3, बेरियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, ओके, पोटासियम 19, कैल्शियम 20, इतना आप लोग को याद करना, ठीक है। अब देखो बेटा क्या कहानी क्या है, इसको पहले समझ लो अच्छे से। एक एटम स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। और किसका जैसा बनना चाहेगा, वो नियरेस्ट नोबल गैस का जैसा, हीलियम, नियन, आर्गन, इन लोगों का जैसा, ठीक है। ये आर्गन, ओके, ए आर। अब देखो मैं आपसे पूछता हूं एक क्वेश्चन, यदि सोडियम, सोडियम को स्टेबल होना है तो सोडियम किसका जैसा बनना कुछ कॉमन बैलेंसेस डिस्कस कर दे रहा हूँ जो रिक्वायर्ड होगी आपको। बैलेंसी 1 वो भी पॉजिटिव वाला, मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव या पॉजिटिव, और पॉजिटिव कहां से आता है आपको समझ होनी चाहिए। देखो एक एटम जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैंसिल करता है, एटम न्यूट्रल, ठीक है। अब मान लो किसी कारणवश उसे स्टेबिलिटी पाने के लिए इलेक्ट्रॉन यदि गेन करना पड़े तो सारा ये तो कैंसिल हो रहा है, बाकी ये एक इलेक्ट्रॉन आने से एक यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, दो इलेक्ट्रॉन आने से दो यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, वही उसकी वैलेंसी रहेगी। अब मान लो एक पल के लिए एक एटम इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, समझो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इसका चार्ज कैंसिल वाला करने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए सोडियम की जो बैलेंसी हो जाती है Ne+।
ओके, और एक प्लस है तो मतलब वैलेंसी इज वन, ओके समझिए आप लोग। सिमिलरली पोटासियम को इसका जैसा बनना है, आर्गन के जैसा बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो उसका वैलेंसी हो जाएगा ए प्लस, इसका भी वन पॉजिटिव। लिथियम, लिथियम की वैलेंसी आपको मालूम होनी चाहिए, लिथियम किसका जैसा बनेगा, हीलियम, तो लिथियम भी एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा एल आई प्लस, ओके। ये मिनिमम तीन तो आपको याद रहनी ही चाहिए, ठीक है ना। और फिर मैं और डिस्कस करता हूँ कॉपर सी यू प्लस, कॉपर पे इलेक्ट्रॉन निकालता है यदि स्टेबिलिटी पाने के लिए होते हैं सी प्लस, ठीक है ना, आपको ये मालूम रहनी चाहिए, इट्स वेरी सिंपल और आपको ये जानना ही है। एमोनियम आयन होती है, एमोनियम आयन जो होती है बेटा इट्स NH4 प्लस, पॉली एटॉमिक आयन है ये। पॉली एटॉमिक आयन मतलब क्या बोलते हैं, एक से ज्यादा एटम है, पॉली एटॉमिक का मतलब होता है एक से ज्यादा एटम, दो एटम है ना बेटा पड़ोस, ये दोनों के क्या है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मतलब इसकी वैलेंसी वन है, ये पूरा ग्रुप ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये आपको जानना जरूरी है मिनिमम। एमोनियम ओके, इतना तो आपको वैलेंसी वन में याद रखना है, और बहुत सारे हैं जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, अभी जो चार्ट मैंने आपको फर्दर दिया हुआ है, पर अभी जितना मैं डिस्कस कर रहा आपके ब्रेन में रहना चाहिए। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कॉपर, अल्मोनियम, इन सब की वैलेंसी होती है व्हाट, वन, ओके, इन सब की वैलेंसी होती है वन। नेक्स्ट मैं वैलेंसी टू पॉजिटिव वाला ही बात कर रहा हूँ, टू देखो बेटा, वैलेंसी टू, वैलेंसी टू मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऐसा ऐसा बनेगा, नियम का जैसा बनेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन उसे निकालना है, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है टू। सिमिलरली कैल्सियम को क्या करना है, दो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 20 है तो 18 बन जाएगा, तो उसकी वैलेंसी 2 होती है, Ca2+, ओके। और जो आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है, देखो मैं बता देता हूँ, बेरियम की याद रखनी है Ba2+, Ba2+ सिंबल होती है बेरियम की, ओके। कॉपर की वैलेंसी 2 भी होती है Cu2+, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्यूप्रिट, ओके। जिंक का आपको याद रखना है Zn2+, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, ओके। लेड आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, Pb2+, इसको हम लोग बोलते हैं क्लम्बस, ओके। आयरन आपको याद रखना है Fe2+, फेरस, देखो इतना तो मिनिमम बेटा आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, क्यूप्रिक, जिंक, क्लम्बस और फेरस। और देखो एक और सिल्वर भी आप लोगों को पूछी, आपको आपके सिलेबस में है ही, Ag+ और सिल्वर की Ag2+ भी होती है, ठीक है ना, दोनों वैलेंसी होता है सिल्वर का, Ag2+ और Ag+ नॉर्मली जो आप लोग पढ़ोगे दोनों आएगी आपके सिलेबस में नॉर्मली, पर जो आपकी वैलेंसी वन वाली आएगी, ठीक है ना, ओके। तो ये ध्यान में रहेगा आप लोगों का, वैलेंसी टू का देख लो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, कॉपर, जिंक, क्लम्बस, फेरस, सिल्वर, ये वैलेंसी टू में आती है, इतनी याद रहनी चाहिए आप लोगों को। वैलेंसी थ्री की मैं बात करूं बेटा आपके साथ, क्योंकि देखो इसका जिक्र करने का एक ही मतलब है, क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला मालूम है वैलेंसी ही बनता है, और यदि आपको फॉर्मूला नहीं मालूम होगा तो आप अपने नए सिंबल्स और नए फॉर्मूला आप नहीं बना, और जब वो सही से नहीं बनेगा तो समझो कहानी खत्म है, तो आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर ही करना। तो इसलिए जो बच्चे मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, नाइन्थ से मेरे साथ हैं, उनसे तो रिक्वेस्ट है खास करके आप अपने चार्ट को पलटो और प्लीज सारे वैलेंसी जान, और जो नए बच्चे हैं उनके साथ मैं कुछ शेयर कर ले रहा हूँ ये बैलेंसेस जो आपको याद रखना है, ताकि बैलेंसेस मिनिमम आप लोग कर पाओ। और जो एक चार्ट है बैलेंसी का, सारे बैलेंसेस का चार्ट मैं क्या करूंगा, आप लोगों के जो ग्रुप है, मतलब श्रीवास्तव क्लासेस ऐप में जो ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगा, तो सारा बैलेंसेस आप लोग देख सकते हैं। तो बैलेंसी थ्री में आपको याद करना है एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम 13 है, एल्यूमिनियम किसके जैसा होगा, नियॉन का जैसा होगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, एल्यूमिनियम इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको। फेरिक आयरन की वैलेंसी 3 भी होती है, कि 3+, आयरन का दोनों वैलेंसी 2 भी है और 3 भी है, जब तक कि 3+, ओके। आप फिलहाल इतना ही याद रखोगे तो एक गोल्ड भी याद रख सकते हो, और एक Al+Au3+, तो अभी फिलहाल वैलेंसी 3 में इतना ही आप लोग पॉजिटिव पाने में तो आपके लिए काफी है, ओके। तो बेटा मिनिमम मैं बोल रहा हूँ इतना आप लोग दिमाग में रखो, जो रिक्वायर्ड है आपकी सोडियम, पोटासियम, लिथियम, कॉपर, एल्युमिनियम, वैलेंसी 1, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, क्यूप्रिक, जिंक, लेड,
एक बैलेंस शीट टू और एक बैलेंस शीट थ्री में तीन ही याद रखना, ज्यादा मैंने प्रेशर डाल रहा हूँ। तो इसको एक बार बढ़िया से देख लो एक मिनट के लिए, क्योंकि आज इसकी फुल डिटेल्स से हम लोग डिस्कस करेंगे इसको अपनी क्लास में। ओके, तो ये वैलेंसी 1 2 3 पॉजिटिव में कम से कम आपको इतना याद रहना चाहिए, ठीक है। फिर मैं नेगेटिव में आ जाता हूँ बेटा। नेगेटिव बैलेंसेस तो होते बहुत सारे हैं, पर आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। जो रिक्वायर्ड है उससे मैं बताऊंगा, जो नहीं रिक्वायर्ड है आगे सिलेबस में जरूरत पड़ेगी वो तो मैं बताया हुआ हूँ। उसकी 11th में रिक्वायरमेंट, 10th में भी रिक्वायरमेंट है कुछ जगह पर, जहाँ जरूरत होगी मैं बताऊंगा। इस चैप्टर की ये इंपॉर्टेंट थिंग। चलो नेगेटिव वाला बैलेंस बताता हूँ। नेगेटिव वाली जो इम्पोर्टेंट है, देखो नेगेटिव वाला बेटा इम्पोर्टेंट देखो कौन कौन से है। फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन को क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है नियॉन जैसे, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तब वो नियॉन के जैसा बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। तो वैलेंसी वन मैं नेगेटिव डिस्कस करूंगा आपसे। ओके, इलेक्ट्रो नेगेटिव बेटा वैलेंसी वन जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ध्यान से देख लो, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 9 और एक 10 नियॉन के जैसा हो जाएगा। फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसके जैसा बन जाएगा। ओके, और देख लो आपको ये इंपॉर्टेंट है OH माइनस, इसको फ्लोराइड बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो फ्लोराइड, ये फ्लोराइड होगा वैलेंसी वन। ये हाइड्रोक्साइड OH माइनस याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, बाइकार्बोनेट याद रखना है, बाइकार्बोनेट। फिर NO3 माइनस नाइट्रेट, देखो इसमें मिस्टेक कर रहे हैं, ये नाइट्रेट है ATE, और NO2 माइनस नाइट्राइट ITE नाइट्राइट। ओके, याद रखना ये तो इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार मिलेंगे आपको। नाइट्रेट नाइट्राइट, नाइट्रेट नाइट्राइट, NO3 एक आयोडीन का और एक याद करो आयोडाइड होती है PB, सॉरी I माइनस। फ्लोरीन फ्लोराइड क्लोराइड आयोडाइड, वैलेंसी वन नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट नाइट्राइड। वैलेंसी वन में आप इतना फिलहाल दिमाग में रखोगे तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कर सकते हो इतना ही आपको दिमाग में रखना है। ओके, वैलेंसी टू जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बेटा देख लो, ये है तुम्हारा सल्फेट। बहुत बार आएगी ये वाली सल्फेट आयन होती है SO4-2- पॉली एटॉमिक आयन। ओके, सल्फेट आएगी, सल्फाइट आएगी SO3-2- और सल्फाइड आएगी PHIDE, IDE सारे ऑक्सीजन खत्म S2-। ओके, मिनिमम इतना तो आपको दिमाग में रखना ही है, कार्बोनेट CO3-, कार्बोनेट CO3-। बेटा देखो ये कम से कम आप रख लोगे तो आपकी काम चल जाएगी। इम्पोर्टेंट ऑक्साइड है O2-। ओके, ऑक्साइड O2-, पर ऑक्साइड भी आपके सिलेबस में आ जाता है तो वो तो आपको दिमाग लगा देंगे, O2-, ठीक है ना, O2-, इतना आप रख लोगे वैलेंसी टू में याद तो काफी रहेगा कि अभी आपके सल्फेट सल्फाइड सल्फाइड कार्बोनेट ऑक्साइड और पेरोक्साइड, ठीक है ना। चलिए वैलेंसी थ्री हम लोग देख लेते हैं। सर बोलिए बेटा। ओके, वैलेंसी थ्री जो आपको दिमाग में रखना है बेटा, ज्यादा नहीं आपको याद करना है यहाँ पे भी, आपको देखो फॉस्फेट दिमाग में रखना है, PO4-3-8 फॉस्फेट, फॉस्फाइड। ओके, PO3-3-, फॉस्फाइड PO3-, ये रखते हैं यार। और नाइट्राइड ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्राइड नाइट्राइड है, देखो नाइट्राइड बनता है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन कहाँ है, नाइट्रोजन का साथ है तो उसको तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक नियॉन जैसा बनता है, नाइट्रोजन साथ है तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए, तीन इलेक्ट्रॉन 3- आएगी ना तब बने नाइट्राइड। तो बेटा इतने कम से कम याद कर लो, एक बार देख लो, ठीक है, मिनिमम इतने तो आपको दिमाग में रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि इतने मिनिमम नहीं रहेंगे तो आप फंस जाओगे, ठीक है, इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ओके चलिए, तो बेटा कोई दिक्कत तो पूछ लो मेरे से इससे, क्योंकि 9th में आप लोगों ने इसे पढ़ा है और इसकी फुल एप्लीकेशन है,
नहीं तो नाइन्थ का बुक खोलना, उसमें जो चैप्टर कौन सा है आपका एटम्स, क्या नाम है, सिंबल्स वाला जो चैप्टर है, आप लोगों को एटम स्ट्रक्चर्स या पहले वाले जो चैप्टर है उसमें ये वैलेंसी चार्ट पूरी दी हुई है, उसमें आप लोग बढ़िया से देखना, ठीक है। मिनिमम जितना मैंने लिखवाया वो तो आपको रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है, ओके। तो बेटा मैं आगे बढ़ूंगा तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा चीजों को, आप थोड़ी इंपॉर्टेंट पड़ेगी आपके लिए, ओके। चलिए आई सपोज मेरे बच्चों को ये सारे बैलेंसेस मालूम होंगे, फिर भी एज अ सिक्योरिटी चेक मैं आप लोगों को करवा दिया हूँ, दिस चैप्टर इज रिक्वायर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैलेंसी वाली पार्ट। बच्चे प्लीज इसे देख लेना नाइन्थ वाले बुक से, और जितना मैंने बताया एटलीस्ट उतना कर लेना। बैलेंसी चार्ट मैंने जो लिखवाया है वो देख लोगे तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं पूरा बैलेंसी चार्ट ग्रुप पे शेयर करवा दूंगा, ठीक है ना। आप लोग श्रीवास्तव क्लासेस ऐप पे मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने मेन पोर्शन सिलेबस में आते हैं, क्योंकि अब तो आप लोग फॉर्मूला बनाना सीख ही गए, तो फॉर्मूला बनाना आप लोग सीख चुके हो, तो फॉर्मूला बनाना तो मालूम ही ना सबको, बैलेंसेस एक्सचेंज हो जाती है और फॉर्मूला बन जाती है, ओके। बैलेंसेस आर एक्सचेंज्ड एंड फॉर्मूलाज आर क्रिएटेड, ओके। चलिए तो आपके सामने मैं क्वेश्चन रखता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैलेंसिंग सीख लिया था, देखिए पहला क्वेश्चन है मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड एंड मर्करी अलोंग विथ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड। देखो रेयरली मर्करी तो पूछा नहीं आता है, फिर भी आपके सामने है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कोई नहीं आता। मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, मर्करी की दो वैलेंसी होती है मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, तो मर्क्यूरिक है तो इसका मतलब ये बड़ा वाला वैलेंसी का बात कर रहा, अस मतलब छोटा वाला वैलेंसी, तो मतलब बड़ी वाली वैलेंसी। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है Hg, मतलब इसकी वैलेंसी 2 है और ऑक्साइड की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 वैलेंसी और 2 वैलेंसी कैंसिल हो गया ना, तो बन गया H2O, आप लोगों ने पढ़ा है 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, गॉट इट। तो HgO आपको मिला, ओके, एनी प्रॉब्लम। तो मर्करी ऑक्साइड एक सॉलिड सब्सटेंस है, तो उसके बगल में मैंने क्या इंफॉर्मेशन दिया है, S, मर्करी ऑक्साइड इज अ सॉलिड सब्सटेंस, तो आई हैव गिवन इंफॉर्मेशन S, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। मैंने बताया था ना कि एक केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आपको सिंबल्स देने होंगे। S, HgO सॉलिड, ठीक है ना, इज हीटेड, हीटेड का सिंबल आप ट्रायंगल की तरह डाल सकते हो एस के ऊपर, हीटेड। एंड मर्करी Hg, मर्करी होती है लिक्विड स्टेट में, आपको मालूम है बेटा सबको, मर्करी इज द ओनली लिक्विड मेटल, Hg लिक्विड विद ऑक्सीजन इज ऑब्टेन, O2 गैस लिबरेट हुई है, तो आप सिंबल डाल कर सकते हो या G भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन को बैलेंस करना, देखो ऑक्सीजन 2 है इधर 1 है, तो मैंने सिखाया था जैसे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है उसी से स्टार्ट करो, तो ये वाले में 2 एटम है तो इसमें भी 2 है, किसी से स्टार्ट करो, 2 है यहाँ पे, आप ऑक्सीजन हो गई 2, ऑक्सीजन 2, 2 Hg, आई सपोज इक्वेशन इज क्लियर, ओके बेटा। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, लिक्विड हाइड्रोजन परऑक्साइड, लिक्विड हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोजेस टू गिव वाटर एंड ऑक्सीजन। चलो जल्दी जल्दी एक मिनट दिमाग में सोचो क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी एक मिनट दिमाग में सोचो, यदि आप लोगों को किसी का ये आंसर मालूम है तो जल्दी से रिप्लाई कर सकते हो अपने एंड से, ओके। H2O2, हां वेरी गुड, H2O2 इज इक्वल टू H2+O2, हां H2O+O2 लिक्विड, लिक्विड गिव्स वाटर, H2O, ओ That's what O2
टू गैस इज लिबरेटेड। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं। एसिटिलीन, ओके, एसिटिलीन गैस बर्न्स इन एयर टू गिव ऑक्सीजन एंड टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। देखो बेटा इसको बैलेंस मैंने नहीं किया, तो बैलेंस करना होगा ना, दो दो चार है इसमें, तो इधर दो और तीन है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। जो चार बनाने के लिए मैं यहाँ क्या करूंगा, दो डाल दूंगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन हो गई दो और दो चार, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई, सॉरी दो ही है, तो दो और दो चार कर लेते हैं, तो दो और दो चार, तो दो और दो चार ऑक्सीजन बैलेंस हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन चार, ठीक है ना, समझ रही है प्रयोग में आप लोग, ओके। चलो एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2, जल्दी से आप लोग लिखो अपनी कॉपी में, आप मुझे बताओ क्या होना चाहिए। C2H2 प्लस एयर में बनूंगा तो ऑक्सीजन के साथ बनूंगा, C2H2 प्लस C प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O, जल्दी इसका इक्वेशन लिखो और मुझे बताओ कोई अपने एंड से, जल्दी से। बैलेंस्ड इक्वेशन आनी चाहिए, मैं इंक बदल लेता हूं थोड़ा। CH2 plus O2 gives 2CO2 plus H2O. नहीं बेटा बैलेंस नहीं है। C2H2 plus 2O2 gives 2CO2 plus H2O. देखो बैलेंस नहीं है बेटा, कार्बन चार है ना, देखो मैं दिखाता हूँ। सर सर, हाँ, 2C2H2 plus 5O2 gives 4CO2 plus 2H2O. Very good, very good. C2H2 plus O2 gives CO2 plus H2O. आप देखो इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत चीज इसमें लिखना पड़ता है। C2H2 गैस होती है, एसिडिक ऑक्सीजन भी गैस है, रिएक्शन में यूज की, कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, ओके, हाइड्रोजन वाटर वेपर है, तो वाटर वेपर के बदले में आपको जी लिखना पड़ेगा, या अपवर्ड एरो दोनों चलेगा। वाटर वेपर गैसीय स्टेट में निकली है, गलती नहीं करना, क्योंकि वाटर वेपर आपको लिख दिया है, स्कूल एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, ओके। तो C2H2 plus O2 is CO2 plus H2O, बैलेंस करने के लिए आपको इसको पिक करना पड़ेगा, दो कार्बन है तो चलो पहले में दो कार्बन कर, ठीक है ना, वेरी गुड। अब चलो हाइड्रोजन दो है, तो चलो आप हाइड्रोजन को दो किया होगा, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन दो है, कहानी फंस गई ना, ऑक्सीजन चार हुई और एक पांच हो गई, तो बैलेंसिंग दिक्कत हो जाएगा, पांच है तो फ्रैक्शनल बैलेंसिंग भी कर सकते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल बैलेंसिंग करते जाएंगे। एक उपाय है कि डायरेक्ट मैं 5/2 यहाँ लगा, ये गलत नहीं है। देखो आप देखो ध्यान से, C2 कार्बन 2, ओके, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ओके, ऑक्सीजन 2 कटा तो कितना हो गया, 5 हो गया, 2 और 2 4 और 1 5 हो गया। पर फ्रैक्शनल बैलेंसिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके लेवल में थोड़ा फ्रैक्शनल बैलेंसिंग गड़बड़ वाली बात हो जाती है, पर इट इज टेक्निकली ओके, कर सकते हो, पर आप इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हो आप होल नंबर भी। कैसे, मैं एक काम करता हूँ ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे 5/2 मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2 आ गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, 2 और 2 कट जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, 4 बन जाएगा, है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 बनेगा। तो फ्रैक्शनल बैलेंसिंग पहले कर दो, फिर उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दो, बड़ा आसानी से, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखिएगा आप लोग, चार कार्बन चार कार्बन, चार हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना, पांच ऑक्सीजन, आराम से हो गई ना बैलेंसिंग, फ्रैक्शनल बैलेंसिंग मारो फिर होल नंबर में करना, आसान से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड में, किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लीजिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन लिखने वाला हूँ और उन क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, हो गई। चलिए च
चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ बोर्ड पे, जिसको हम लोग को एक एक करके सॉल्व करना है, ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगेन द फर्स्ट क्वेश्चन इज फास्फोरस बर्न्स इन एयर टू फॉर्म, फास्फोरस बर्न्स इन एयर टू फॉर्म फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, कॉपर स्ट्रिप इज डिप्ड इन silver nitrate solution. Okay, the third question is magnesium when burnt in air forms magnesium nitride. Okay, fourth question is calcium carbonate dissolves in hydrochloric acid to form calcium chloride, water and carbon dioxide. चलो फटाफट दो मिनट टाइम दे रहा हूं, आप लोग जल्दी से रेडी करो इन सारे क्वेश्चंस, 1 2 3 4 क्वेश्चंस आपको बनानी है। ओके सर, सेकंड में अर्जेंटा से कि अर्जेंटिक है सर? बेटा ये वन वाला ले लो, वैलेंसी वन, ठीक है। चलिए करिए, मैं तो पानी पी लेता हूँ, करो। चलिए, I suppose कुछ बच्चों ने रफली तो लिखा होगा इसे, तो फॉर्मूला बच्चे चेक कर लेते हैं कैसा है। देखिए, फास्फोरस, देखो क्या हुआ था, फास्फोरस को मैं डायरेक्ट पी लिख दूं गलती तो है ही, क्योंकि मैंने बताया था आप लोग को लिखना है किस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म, जो भी चीज लोगे यू हैव टू राइट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। क्योंकि एक क्लास में मुझे एक बच्चे ने पूछा था कि सर्वम को सर हम लोग एस लिख देते हैं, एस प्लस ओ2, बेटा देखो एस लिख देने कोई दिक्कत नहीं है, स्टोइकोमेट्री इफेक्ट नहीं होती, पर नॉर्मली देखो यदि सही लिखना तो एस एट ही लिखना, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म एस एट, पर हम लोग स्टोइकोमेट्री इफेक्ट नहीं होती है इसलिए नॉर्मली हम एस लिख देते हैं, तो आपको बाद में पता चलेगा सीनियर क्लासेस में आओ कि ऐसे लाल लिखने से कोई दिक्कत क्यों नहीं होता है, बट आप यदि सही लिखना चाहते हो 100% एस एट ही, फास्फोरस, फास्फोरस बेटा एक सॉलिड होता है, ठीक है ना, फास्फोरस सॉलिड सब्सटेंस जिसकी मॉलिक्यूलर सॉलिड होती है, जिसकी एटमिसिटी 4 होती है, तो P4 लिखेंगे, बर्न इन एयर, हवा में बर्न होता है तो ऑक्सीजन का जरूरत to form phosphorus pentaoxide, phosphorus pentaoxide, phosphorus pentaoxide का formula होता है बेटा P2O5, this is phosphorus pentaoxide. अब इसको balance करनी है, balance कैसे करोगे? This is gas, this is solid. Okay, balance कैसे होगा? 4 है,
पर इससे स्टार्ट करते हैं, आप दो डाल दिए इधर भी चार, ठीक है, फाइव लगा देंगे, फाइव ओ टू में, फाइव ओ टू में डाल दो, मेरे मेरे सिंपल सा था इक्वेशन, सिल्वर सिल्वर एज ही क्या होती है, सॉरी ये आदत डाल दी, ये सवाल सीख लोगे नहीं लिखने का, तो कभी केमिस्ट्री तो एक बहुत ही लविंग सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट, इससे प्यार करना सीखो, देखो आप कहां से कहां पहुंच गए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंडिया में आईआईटी एग्जाम्स जो भी होती है नीट होती है बेटा, उसमें केमिस्ट्री एक हाई रैंक लाने में बहुत मदद करता है, और ये जो चैप्टर है हम लोग ऐसा नहीं है किसी कोई रिलेशन नहीं है, कोई हायर एग्जाम नहीं निकलेगी इसके डिपेंडेंट, देखो पहले तो हायर एग्जाम छोड़ो, पहले तो आपकी लाइफ में इसकी यूटिलाइज, इट हैज गॉट अ प्लेस इन योर लाइफ, क्योंकि आपने पढ़ा है कि मेटल्स नॉन मेटल्स इत्यादि का आपकी लाइफ में क्या जरूरत है, मैग्नीशियम एयर में बर्न बर्न होके मैग्नीशियम ऑक्साइड ना बनता है, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी, ओके मैग्नीशियम प्लस N2 कंबाइन होती है तो Mg3 N2, ओके सिल्वर इज कॉपर इज एक्चुअली सुपर मैग्नीशियम रिएक्ट एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बेटर रहता है क्योंकि बर्न लिखना थोड़ा सा हो जाता है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एयर बिकॉज बर्निंग की बात करते हैं, बर्निंग में ऑक्सीजन आता है, ओके ओके अभिजीत क्लियर हो बेटा, आई थिंक अभिजीत ने बोला, अभिजीत बोले ठीक है, हां सर ठीक है बेटा, तुम्हारा आवाज हम लोग सबको आवाज याद है, सब आप को आवाज भी याद है, मैं याद हूं ना सबको, यस सर मुझे पहचान तो हां सर पहचानते, सिल्वर सिल्वर सॉलिड है, सिल्वर इज प्रेसिपिटेटेड, सिल्वर इज प्रेसिपिटेटेड, प्रेसिपिटेटेड मतलब प्रोडक्ट में ना होगा, सिल्वर इज प्रेसिपिटेटेड एंड कॉपर स्ट्रिप, जब ये कॉपर स्ट्रिप को आप डिप करते हो सिल्वर नाइट्रेट की सॉल्यूशन में, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में आपने डिप किया तो AgNO3 ओके एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में मैंने कॉपर को डिप किया है, सिल्वर कॉपर को डिप किया CuNO3+ क्या बन सकता है CuNO3+Ag, और नॉर्मल ठीक है ना कॉपर हाइड्रेट, दिस इज हाइड्रेट सॉल्यूशन, रिक इक्वेशन को बैलेंस करो फटाफट, चलो बैलेंस करो, बोर्ड दिख रही है ना सबको, बैलेंस करिए जल्दी से, हो गया सर, हो गया बैलेंस, यस सर हो गया सर, यूज कर रहे हैं यूज कर, अच्छा ये बार कौन सा स्टेट को क्या जल्दी करने का आदत भी डालना हर जगह और भूल नहीं, NO3 होल्ड ट्वाइस है तो मारो ने यहां पे डायरेक्ट NO3 होल्ड ट्वाइस वही किया था, NO3 के सारे आइटम बैलेंस हो गए होंगे, होल्ड ट्वाइस इधर भी 2 डाला, AG आगे 2 लगा देंगे, ठीक है अब दोगो AG है तो दोगो AG का बैलेंस हो गया, क्या बैलेंस है, दो AG दो AG दो नाइट्रेट दो नाइट्रेट कॉपर इन कॉपर इन कहानी का हो गई बैलेंस, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम सॉलिड नाइट्रोजन गैस बनती है मैग्नीशियम नाइट्राइड, फॉर्मूला जल्दी बोलो
Mg3 and 2 होती है मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3 तो मैग्नीशियम Mg3 नाइट्रोजन 3 बस ठीक है ना ये भी सॉलिड ही है ठीक है मैग्नीशियम नाइट्राइड कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलो CaCO3 फॉर्मूला प्लस HCl माइक ऑफ ओके माइक ऑन नहीं रखना है माइक ऑन करना तो बोलना है यदि बोल लिए तो फिर बंद कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड अच्छा एक बात पूछूं मेरी आवाज सबको क्लियर जाती है कि नहीं यस सर कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड डिसॉल्व इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक HCl नॉर्मली एक्वासी लिख दो आप यहां पानी में क्या करते हैं फॉर्म्स कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी करने छोड़ दो हो गया सर HCl के HCl के आगे दो हां ठीक है चलो मैं बता देता हूं 2HCl ओके चलिए किसी से देखो इसमें सबसे ज्यादा एटम है तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हो 2 CH1 हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो कार्बन ठीक है ना बैलेंस है बेटा और साइन देखो ये वाला हो गया आपका H2O लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठीक है ना तो दिक्कत आप एक बार बोर्ड को देख लो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होती है वाटर इज लिक्विड नहीं HCl जो है वो एक्वस में लिखा है और कैल्शियम क्लोराइड एक्वस रहेगी आपकी और वाटर लिक्विड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वेरी सिंपल कोई दिक्कत नहीं सर CuNO3 होल ट्वाइस में सर क्या होगा क्या बोले बेटा इसका नाम यस सर कौन सा फॉर्म में होगा सर बेटा एक्वस होगा बेटा ये एक्वस सर कैसे जानेंगे कि एक्वस है कि कौन सा देखो बेटा ये आस्ते आस्ते आपको पढ़ते पढ़ते पता चलेगा और इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दे ही दिया है सिल्वर इज प्रेसिपिटेटेड जो चीज प्रेसिपिटेट हुई है वो तो लिखा हुआ है और जो चीज बैठ जाता है मतलब जो चीज पानी में सॉल्युबल है देखो आस्ते आस्ते आप पढ़ोगे नहीं तो मैं पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को जब चैप्टर्स में घुसूंगा इन डेप्थ एसिड बेसिस सॉल्ट्स में या यहीं पे मैं एक चार्ट दूंगा आपको एक चार्ट दूंगा जो सॉल्युबिलिटी चार्ट इससे आप लोग डायरेक्टली गेस कर दोगे कि कोई भी चीज देखो पानी तो पहले से मौजूद है सिल्वर नाइट्रेट को मैंने पानी ही में बनाया है तो सिल्वर अपने आयंस में टूटा हुआ लास्ट क्लास में मैंने लेड वाला दिखाया था ये टूटा होगा Ag+ NO3- में Cu सॉलिड की तो Cu इसके साथ कंबाइन हो गया तो CuNO3 होल ट्वाइस जो बना वो क्या हुआ सॉल्युबल है पानी में मिल गया तो मैं चार्ट दे दूंगा आपको जो चार्ट से आप ऑब्वियसली गेस कर सकते हो कि कौन सा गेस दे 100% बोल सकते हो कौन सा सॉल्युबल होगा नहीं क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज जो आप अपने सिलेबस में पढ़ोगे वहां पे सॉल्युबल ही होगा चीज क्योंकि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट आप हमारे बहुत सारे को मिला देता है अपने अंदर और कोई भी आयनिक कंपाउंड देखो और एक तरीका बताता हूं इसका पकड़ने का कोई भी आयनिक कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड नॉर्मली पानी में सॉल्युबल आयनिक मतलब समझते हो जिसमें आयन है पॉजिटिव और नेगेटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन है ना ये पानी में सॉल्युबल ठीक है एक सिंपल ट्रिक पकड़ लो अभी ये आसान ट्रिक आप लोगों के लिए काम करेगा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड देखो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड किसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करके होती है समझे मतलब एक्सचेंज करके मतलब जिसको एक सोडियम को एक लूज करना था क्लोरीन को एक गेन करना NaCl बना तो NaCl इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करके बना तो पानी में सॉल्युबल ठीक है जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होती है आयनिक कंपाउंड होती है वो सॉल्युबल होती है क्योंकि एक चैप्टर भी है मेटल एंड नॉन मेटल में पूरा सॉल्युबिलिटी चार्ट कौन सा चीज सॉल्युबल है नहीं ओके और सर ये वाटर में ही आयंस में ब्रेक क्यों होता है बेटा वो पढ़ेंगे वाटर क्यों आयंस में ब्रेक होते हैं कौन से आयंस हाइड्रोजन आयंस बनते हैं क्या भी वो पढ़ेंगे एसिड बेस आने एसिड बेस चैप्टर में देखेंगे ठीक तो ये वाली पार्ट हो गई बहुत सारी इक्वेशन में को प्रैक्टिस करना है क्योंकि देखो इस चैप्टर से जो आएगी आपसे यही सारी चीजें और आपको यदि फॉर्मूला नहीं लिखने आएगी तो कहानी खत्म चलो मैं बोलता हूँ कुछ इक्वेशन लिखो आप लोग जल्दी से फटाक से एल्युमिनियम सल्फेट
एल्युमिनियम सल्फेट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट. तो फटाफट इसका इक्वेशन लिखो. लिख लिए सर. लिख लिए. चलो वेरी गुड. अब हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम सल्फेट ए. बताओ 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 जल्दी. Al2SO4 3 एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो 3 गया उधर. सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है तो 2 आया इधर. क्लियर है? बीएन सेंटर वीडियो बंद करो अपना. प्लीज सेट योर वीडियो जल्दी से. Al2SO4 बोथ थ्राइस. देखिए एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है 3 उधर गया. SO4 की वैलेंसी 2 होती है तो 2 इधर आया एल्युमिनियम सल्फेट. अब देखो कल बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो दिमाग में. देखो यहां पे ऑक्सीजन के एटम 12 है इनटू 4 3 12 12 एटम है सल्फर ऑक्सीजन के. सल्फर के सिर्फ 3 है. ये 4 इसके लिए नहीं है. ये 4 सिर्फ ऑक्सीजन के. सल्फर के सिर्फ 3 है. एल्युमिनियम के 2 है सिर्फ. अब ध्यान देखो यदि फॉर एग्जांपल मैं इसके आगे में 2 लिख देता हूं ओके तो ऑक्सीजन के एटम बनाएंगे 4 3 12 12 20 ऐसे होते हैं. ठीक है 2 आगे में लगा दिया तो पहले इसको जोड़ दो 4 3 12 12 20. सल्फर के 3 3 2 6 ओके. एल्युमिनियम भी 4 ही रहे तो कंफ्यूज होते हैं बहुत बच्चे. दिमाग लगाना है ऐसा. ऑक्सीजन 12 और ये आ गया 24 6 4 ऐसे कर. ठीक है एल्युमिनियम सल्फेट एक्वस लेंगे एम सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने हुआ ओके. बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस पानी मिलती प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा. सोडियम सल्फेट बनेगा. सोडियम सल्फेट एनी और सल्फेट की वैलेंसी Na2SO4 एक्वस और प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का बोल. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होती है. ये दिमाग में रखना है. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेट बनेगी. ठीक है ना. ये याद रहेगा दिमाग में. चलो बैलेंसिंग कर लेते हैं हम लोग. अच्छी खासी बड़ी सी लग रही है देखने में पर कुछ है नहीं ओके. यदि दिमाग लगा देखो एक चीज मैं बता देता हूँ पहले. जो एटम 2 से ज्यादा के ग्रुप में है उसको छोड़ देना. उसके ऊपर माथा मत लगाना. जैसे ऑक्सीजन 1 है 2 है 3 है 4 जगहों पे है. 2 जगह पे है तो उसको टच करो ठीक है. अब यदि 4 जगह पे है 5 जगह पर है तो उसको टच करने की जरूरत नहीं है. छोड़ दो ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. सबसे ज्यादा एटम इसी में है तो इसी को टच करना सावधानी नहीं समझदारी होगा. तो ऑक्सीजन को मैंने बोल दिया छोड़ दो क्योंकि बहुत ज्यादा जगह पे है. सल्फर 3 है तो सल्फर को यदि मैं 3 लगा दूंगा तो काम ना सकता. ठीक है सल्फर का ओके. अब एल्युमिनियम 2 है मैं 5 लगा दूं. एल्युमिनियम के आगे में 2 लगा दिया तो काम बन सकता है. अब देखो सोडियम बदला है तो सोडियम 6 है तो 5 लगा दूं. ठीक है 6 लगा दूं. अब हाइड्रोजन देखो कितना है. हाइड्रोजन 6 है तो हाइड्रोजन यहां भी 6 है. हां सर 6 करते हैं. ऑक्सीजन 4 3 या 12 और 12 और 6 18 तो 4 3 या 12 और 12 और 6 18 बैलेंस है ना बेटा. ओके कोई दिक्कत नहीं. पढ़े एक्वस 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 या की प्रेसिपिटेट ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्लियर है? यस सर. चलिए आप कुछ बैलेंसिंग हम लोग देखते हैं. छोटे मोटे बैलेंसिंग को देखते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि बैलेंसिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देना क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे.
और पूछना तो बात की बात है, यदि आपको नहीं मालूम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कार्बन डाइसल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, स्टेट आपको लिखोगे, स्टेट भी लिखोगे। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन, ओके। थर्ड वन इज कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। This is equal to S, ethane, okay? Aluminium plus HCl gives aluminium chloride plus hydrogen, okay? Barium chloride plus aluminium sulfate gives barium sulfate प्लस अल्मोनियम क्लोराइड, ओके। तो ये वाली हो गई, चलिए तो ये सारी को आप चलो फटाफट करने की कोशिश करो जल्दी से, और कुछ मैं देखता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट है तो नहीं, चलो ट्राई करना है। प्लस क्या है जल्दी जल्दी कर दीजिए, स्टेट लिखने का कोशिश कीजिएगा, स्टेट आपको लिखना है, और नहीं भी स्टेट आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अब स्टेट अभी छोड़ दो, बैलेंसिंग करो। कैल्शियम सल्फेट, चलिए हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। ये कार्बन डाइसल्फाइड, दिस इज कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन सल्फाइड उतनी आपको ऑक्सीजन, तो कार्बन एक है तो कार्बन एक है, छोड़ो सल्फर को कर देते हैं, सल्फर दो है, सल्फर दो है, ठीक है छोड़ो, ऑक्सीजन इधर तीन, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन कितनी है, दो दो चार और दो छह, तो आपने काम को इधर तीन डाला, बैलेंस हो गया, देखो कार्बन एक, कार्बन एक, सल्फर दो, सल्फर दो, ऑक्सीजन छह, आने खत्म। मैग्नीशियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन मैग्नीशियम सॉलिड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड होती है, कार्बन भी सॉलिड, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए बैलेंसिंग किससे करना है, आपकी मर्जी, तीन इसमें है, तीन इसमें है, जिससे मन किससे करना है, Mg2 तो Mg है, टू लगा ऑक्सीजन में दो कर दिया, मैग्नीशियम मैग्नीशियम में भी टू, ओके ना, दो मैग्नीशियम, दो मैग्नीशियम, कार्बन एक, कार्बन एक, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, बैलेंस पे खाने से कैल्शियम कार्बाइड सॉलिड होती है, वाटर लिक्विड होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस होगा, दिस वन इज गैस, एसिडिटी हम लोगों ने देखा है। कैल्शियम कार्बाइड को क्या करते हैं हम लोग, देखो बेटा इससे करना है आपकी मर्जी, देखो दो तो बेटर रहेगा आपके लिए, हाइड्रोजन दो है और सराइस टू में टू लगा दोगे, एक मिनट प्लीज माइक को ऑफ रखो बेटा, आपको आई रिक्वेस्ट यू, क्या नाम है अंकित, बीएन सेंटर, प्लीज माइक को ऑफ करो जल्दी से, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड और वाटर, देखो तो क्या करेंगे, बैलेंसिंग किससे करना है आपकी मर्जी है, किसी को पिक कर सकते हो, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, चार है, तो आप यहाँ पे चार हो गए, तो दो और दो चार हो गए, अब आप चलो कार्बन दो है, कार्बन दो है, ठीक है, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, आप देखो शायद बैलेंस हो गई होगी, कैल्शियम एक, कैल्शियम एक, C2, हाइड्रोजन चार, हाइड्रोजन दो और दो चार, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन सब बैलेंस, ठीक है, तो दिक्कत नहीं। एल्युमिनियम सॉलिड होती है, HCl एक्वस वाटर भी बनाते हैं या डाइल्यूट भी लिख सकते हो,
AlCl3 सॉलिड होती है, H2 गैस होती है। अब यहाँ पे बोलोगे एक्वस, देखो भाई AlCl3 यहाँ पे एक्वस होता है, ठीक है। अब Al+HCl is AlCl3+H2। Al यहाँ पे देखो, आप थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, तो तीन लगाते हैं तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि बेटा देखो ये तीन हाइड्रोजन है तो तीन नहीं बन सकता ये। फिर भी मैंने सिखाया था, यदि फ्रैक्शनल बैलेंसिंग मार दो 3/2, ठीक है ना, 3/2 कर देने से क्या हो जाएगा, 3 ना हो जाएगा, तो 3H अल्मोनियम एक, अल्मोनियम एक, क्लोरीन 3, क्लोरीन 3। तो फ्रैक्शनल में मैं बोला था कि बैलेंस करके इसको फ्रैक्शन को आप इसमें कन्वर्ट कर देना, 2 से इनटू किए, इसको भी 2 से करो, इसको 2 से करो, तो 6 हो जाएगा, इसको हो जाएगी सेट, कोई कहानी। दो अल्मोनियम, दो अल्मोनियम, 6 हाइड्रोजन, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6, एवरीथिंग इज सेट। बेरियम क्लोराइड एक्वस होती है, अल्मोनियम सल्फेट एक्वस होती है, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होता है। मैं ये पढ़ाऊंगा आपको, दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, यहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनती है, अल्मोनियम क्लोराइड आपकी एक्वस है, पानी में है। तो बैलेंसिंग शुड बी वेरी इजी, देखो इन सब में ट्रिक लगा सकते हो, ट्रिक क्या लगाना है कि आपकी आस्ते आस्ते, इतना मैंने करवा दिया, आई सपोज आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए और कुछ इक्वेशंस आप उठा के कर सकते हो, नहीं तो मैं एक चार्ट दे दूंगा, बैठ के बैलेंस करते रहना है। काम चल रही है, तो हाइड्रोजन 6 हो गई और आयरन जो है, तो शामिल हो ही सकती है पूरी ना, कोई दिक्कत नहीं ना, दो आयरन है, देखो दो आयरन, ठीक है, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, ओके ओके, आई सपोज अ गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस हैड बीन डन, एंड आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, यदि कोई दिक्कत है पूछो जल्दी से। सर एटॉमिक फॉर्म इज अनस्टेबल मतलब क्या? हां क्या बोले बेटा, एटॉमिक फॉर्म इज अनस्टेबल, हां बता रहे बेटा, और आपका भी चेहरा मुझे याद आ गया है ना, बिहार है ना? यस सर। हाँ बेटा ठीक, देखो आप लोग सबको मैं याद रखता हूँ, भूलता नहीं, ठीक। तो क्या बोल रहा था मैं, बिहार में क्या बोल रहा था, क्या पूछे थे आप? एटॉमिक फॉर्म इज अनस्टेबल, देखो एटॉमिक फॉर्म इज अनस्टेबल का मतलब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द एटम लीविंग द नोबल गैसेस आर अनस्टेबल। सोडियम का मैं सोडियम का मैं 11 लेता हूँ, क्या ये स्टेबल है बेटा? नहीं नो, तो ऑब्वियसली तो सोडियम का एटमिसिटी 1 होता है, तो मैं Na ही लिखता हूँ। हाइड्रोजन देखो बेटा, हाइड्रोजन एच स्टेबल होता है क्या? नहीं, ये हमेशा दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके रहता है, हमेशा आपने एक एटमिसिटी टॉपिक पढ़ा है इस पैनल में। एटमिसिटी होता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन है तो H2, हाइड्रोजन की एटमिसिटी 2 होती है। आशीष श्रीवास्तव प्लीज स्क्रीन शेयरिंग बंद करो, कौन हो आशीष श्रीवास्तव? आशीष श्रीवास्तव आप अपने स्क्रीन शेयरिंग को बंद कीजिए। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी यहां पे कि कोई भी स्क्रीन शेयरिंग करते हो तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा तुरंत। इफ एनी पर्सन, ध्यान से मेरी इंस्ट्रक्शन को सुन लो, इफ एनी पर्सन कोई भी स्टूडेंट स्क्रीन शेयरिंग करता है तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ओके? Instructions should be quite clear. H2, oxygen, O2, phosphorus का atomicity 4 होता है, तो हमने इसे लिखेंगे P4. अब इसे क्या है ना? S8, sulfur की atomicity होती है S8. Atomic form is unstable, इसका मतलब यही होता है कि atom stable नहीं होते हैं, उनको molecular form में reaction में लिखना है। जब भी लिखोगे reaction में उसको molecular form में लिखना है, ठीक है ना बेटा? ओके यस सर।
okay, so we are all with a lots of question today. आज बहुत सारे questions हम लोगों ने किए और in the question मत इसे समझो, इसे समझो कि हम लोगों ने बहुत सारे marks के काम किए, okay? और ये चीज marks भी नहीं है, ये हम लोगों ने chemistry को build किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सीखा formula बनाना, और formula बनाना बहुत important है. formula यदि आप गलत लिखोगे तो चीज ही पूरी गलत. आपको सिंपल सी बात मालूम होनी चाहिए कि मतलब कि एक एटम इधर होने से उधर होने से क्या स्टेबिलिटी मिलेगी उसको. आप बताओ कोई बच्चा लिखता है AlCl3 को AlCl2 लिख देता है तो कंपाउंड क्या स्टेबल है ही नहीं, तो उसका लिखने का मतलब इंटरेस्ट वाली बात. तो आपको नहीं लिखना, आपको आपके कंपाउंड को आपको फॉर्मूलाज को एकदम सही फॉर्मेट में लिखना है. तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि आप लोग प्लीज बैलेंसी चार्ट पढ़ के आइएगा, क्योंकि मैं थोड़ा टफ फॉर्मूलाज आपके सामने रखूंगा और वो सब टफ फॉर्मूलाज अच्छे से देखना है. तो अच्छे से सारे बड़े बड़े फॉर्मूल मतलब जितने मैंने बैलेंसी लिखाए हैं पॉली एटॉमिक के सब आपको याद होना चाहिए, ओके? और नेक्स्ट क्लास में कुछ टफ